दिल्ली के कंझावला से नए साल की रात एक हैवानियत का मामला सामने आया है। बुलेरो कार ने कई किलोमीटर दूर तक एक 20 साल की लड़की को घसीटा। यह पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। इस हादसे में 20 साल की लड़की की जान चली गई। मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो में साफ साफ लड़की बुलेरो कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है और कार चालक लगातार उसे घसीटते हुए यू टर्न लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 1 जनवरी की सुबह तकरीबन 3:30 बजे बुलेरो गाड़ी कंझावला से लाडपुर गाँव से थोड़ी सी आगे यू टर्न लेकर वापस तोसी गांव की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जहां लड़की की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने बताया कि कॉल पर किसी ने उनको सूचना दी थी कि एक ग्रे कलर की गाड़ी कुतुबगढ़ की तरफ से जा रही है, जिसमें एक डेड बॉडी लटक रही है। और इसके बाद तुरंत पिकेट की तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क कर दिया गया। पुलिस कार की तलाश करने लगी। इसके बाद कुछ समय बाद ही पुलिस को PCR से कॉल आई और बताया कि थाना कंझावला पर सड़क पर एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। DCP हरेंद्र सिंह ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला था कि लड़की कार में नीचे फंसी हुई है, इसलिए वो कार चला रहे थे। अभी फिलहाल में 4-5 किलोमीटर दूर तक लड़की को घसीटने की बात की पुष्टि की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस दोबारा क्राइम सीन का मुआयना करेगी। दिल्ली पुलिस लगातार अपनी लीगल टीम के संपर्क में है ताकि इन आरोपियों को जमानत न मिल सके।